की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। विश्व योग दिवस के अवसर पर जहां आम जनता योगाभ्यास किए, वहीं विभिन्न विद्यालयों में भी योगाभ्यास कराया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र और छात्राओं ने भाग ली। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में भी विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया, जिसमें विद्यालय प्रशासन के शिक्षक निदेशक के अलावा काफी संख्या में छात्र और छात्राओं ने भी योगाभ्यास किया और कहा कि योग करें, निरोग रहे। अगर निरोग रहना है तो आप प्रतिदिन योग करें। आयुष मंत्रालय ने चुने हुए हैं। बिना सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ चले। तीन तीन बार ही करना है। दूसरा आसन, अपने गर्दन को दाई बाई झुकाना, तो सांस छोड़ते हुए दाई तरफ अपने सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए सीधा। पुनः एक बार और दें। सजगता गर्दन पर रखें। हाँ, ये हमारा दूसरा आसन हुआ गर्दन के लिए। इसे तीन बार आप करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे भोजपुरवासी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आज के दिन पर, कि आज का दिन योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक अहम बात थी, हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने आवाज़ को बुलंद किया था जब यूएसए में एक महासभा हुआ था। उस महासभा में इन्होंने कहा था कि एक योग दिवस भी होना चाहिए। वो दिन था 27 दिसंबर 2014 ईस्वी को, जिसमें इनके बातों को अमल किया गया और इनका समर्थन लगभग 170 देशों ने किया। और जब इतना भारी समर्थन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्व ने मिलकर दिया,
तो समय भी कम था, उस समय के आधार पर रखा गया 21 जून कि 21 जून को ही ये योग दिवस को रखा जाए और योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। हम लोग आज ही दिन योग करते हैं, हर दिन हम लोग योग भुला जाते हैं। जी जी, देखिए कोई भी चीज़ का एक दिन होता है, उस दिन को एक फेमस बनाया जाता है, प्रसिद्धि दिया जाता है। जैसे मातृ दिवस, पितृ दिवस, गांधी दिवस और बहुत सारे ऐसे 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी हुआ, बहुत सारे दिवस हैं हम लोग को जो हम लोग मनाते हैं। और इस दिन हम लोग इसलिए विशेष जोड़ देते हैं क्योंकि यह एक पूरा विश्व का बात आज के दिन ही अमल हुआ था इस दिन, इसलिए हम लोग आज मनाते हैं। और रह गया बात कि बाकी दिन को नहीं मनाते हैं, बाकी दिन तो लोग मनाते हैं लेकिन इतनी नहीं, बहुत सारे वर्क होता है, काम होता है, उस कामों को देखते हुए लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग और बहुत सारे लोग भी इसको मनाते हैं लेकिन लाइट में नहीं आते हैं। यानी आप भी आज योग किए होंगे? सुबह सुबह उठकर तो मैंने भी आज योग किया है और मैं भी प्रतिदिन थोड़ा सा ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ लेकिन करता हूँ। यानी योग हमारे लिए क्यों जरूरी है, योग करना? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योग करने से हमारी शारीरिक, मानसिक और भौतिक का जो संतुलन होता है ये कायम रहता है। मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं, कोई भी बड़ा काम उठाना होता है, बड़ी कदम उठानी होती है तो मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और योग करने से इसकी स्थिति बनी रहती है और उस बड़े काम को करने में कोई हेजिटेशन नहीं रहता है और उस काम को किया जाता है। नाम बताइए। जी, मेरा नाम नितिन दरबार, डायरेक्टर किड्स कैंपस मिशन स्कूल कैम नगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूँ राजेश तिवारी। योग करें निरोग रहें नारे के साथ विश्व योग दिवस के अवसर पर आरा समेत पूरे भोजपुर में काफी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। योगाभ्यास ये विश्व योग दिवस 4 साल का हो गया, यानी 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने 21 जून को विश्व योग दिवस की घोषणा किए और ये आज पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाई गई है। योगा दिवस को लेकर काफी संख्या में लोगों ने जहां वीर कुंवर सिंह मैदान में योगाभ्यास किया, वहीं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भी योगाभ्यास विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया, जिसमें सदर अनुमंडलाधिकारी के अलावा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और कई जिला के वरीय अधिकारियों के साथ ही छात्र भी उपस्थित थे। And lovely students, it's a pleasure that we are here to celebrate Vishwa Yoga Divas. योग भारतवर्ष की बहुत ही पुरातन परंपरा रही है। उसके बाद दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर, दोनों हैंड की ओर नमस्कार की मुद्रा में लगाएंगे। बहुत सामने देखो, अपोजिट साइड लगा उसका काम, माउथ ओपन नहीं रहेगा, नोट चल गया, सांस आप ले सकते हैं धीरे धीरे। आपके ईयर में सटे होने चाहिए ऊपर, धीरे धीरे। ये हम लोग वृक्षासन किए, अगला हम लोग तड़ासन आसन करेंगे, उस आसन का नाम है तड़ासन, उसमें हम लोग
अवश्य विद्यालय में भी बच्चों को योग की शिक्षा दी जा रही है। वैसे तो हमारे रेगुलर क्लासेस में भी योग को हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। आज योग दिवस के अवसर पर विशेष असेंबली के दौरान बच्चों को योग सिखाया जा रहा है। ये ट्रेनर कहाँ के हैं मैम? ये हमारे रेगुलर स्पोर्ट्स टीचर हैं मिथिलेश्वरी, जो कि योग सिखा रहे हैं। उन्हें योग की क्रियाएँ सारी आती हैं। वही बच्चों को हमेशा पूरे साल भी योग की क्रिया सिखाते हैं और आज भी वही बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ योग की तरफ बच्चे काफ़ी दूर जाते नज़र आ रहे हैं, उस ऐसे समय में आपके विद्यालय में बच्चे कितने उत्साहित होते हैं योग करने के प्रति? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ योग साल भर कराया जाता है, इसलिए हमारे बच्चे हमेशा उत्साहित होते हैं। उन्हें योग के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे से मालूम है कि योग उनके हेल्थ के साथ साथ उनकी पढ़ाई, उनकी कंसंट्रेशन पावर में भी योगदान देता है। इसलिए हमारे बच्चे हमेशा उत्साहित होते हैं। और आ चुकी सिर्फ 9th और 10th के ही बच्चों को आना था, इसलिए सिर्फ 9th और 10th के बच्चे बहुत उत्साहित होकर के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से सैकड़ों फरियादों की बातें सुनी और उनकी समस्याओं का निदान किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं सदैव जनता के लिए मैं अपना त्याग करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और जनता की हर समस्या को दूर करना सुनना मेरा कर्तव्य बनता है। आरा विधायक ने आरा पटना मुख्य मार्ग को सड़क जाम की घोषणा किया था और कहा था कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सड़क जाम की इस बात को सुनकर जिला प्रशासन काफी ही सतर्क थी और कायम नगर पहुंचकर 144 धारा भी लगाया, जिसके चलते बड़ारा विधायक को फरार होने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन बड़ारा विधायक को ढूंढती रही, लेकिन बड़ारा विधायक नहीं गिरफ्तारी नहीं हो सका और इसको लेकर 144 धारा कायम नगर में लगा रहा, जिसके चलते सड़क जाम की समस्या से लोगों को निजात मिला और सड़क जाम नहीं हो सका। Oh.
समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा, नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। एक बार भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। आगामी 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगभग हर पार्टी लग चुकी है और 2019 के चुनाव को देखते हुए भाजपा ने भी अपनी कमर कस लिया है। आगामी माह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना आने की संभावना है और उसकी तैयारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी हर्ष देखी जा रही है। भाजपा के
प्रदेश उपाध्यक्ष शाहबाद प्रभारी निविता सिंह ने आरा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और कई दिशा निर्देश दिया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर भी की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श की। निविता जी को जो प्रदेश उपाध्यक्ष और शाहबाद प्रभारी सम्मानित करने के लिए जिले का प्रभारी बनने के संबंध में द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बिहार के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र नारायण यादव जी के आदेशानुसार मुझे शाहबाद के क्षेत्र का प्रभार नियुक्त किया गया और शाहबाद क्षेत्र के प्रभार मिलने के बाद आज पहली बार भोजपुर में आगमन हुआ है। इसके दो दिन पहले हमारे भोजपुर में बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन आज विशेष करके हम अपने जिला के पदाधिकारियों के साथ अपनी संगठनात्मक बैठक के लिए आज उपस्थित हुए हैं और उसमें हम आगामी कार्यक्रमों के विषय में चर्चा। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में 191 देश में आज योग दिवस मनाया गया है, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा समुदाय आज पूरे देश में योग मनाया और जो योग दिवस के कार्यक्रम के बाद हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज भोजपुर में भी योग दिवस हुआ और सारे हमारे पदाधिकारी कहीं ना कहीं सम्मिलित हुए, जो कि प्रखंड में, जिला में, हर जगह स्वास्थ्य विभाग और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया पूरे बिहार में। और हम सभी आज अपने संगठन की मजबूती के लिए और विस्तार के लिए चर्चा करते हुए आज यहाँ बैठे हैं। 4 साल पूरा हो चुका है पार्टी का, कितना 10 सफल योजना का नाम बता दीजिए, कोई 10 सफल योजना में। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 सफल योजना का नाम बता दिया। स्वच्छता अभियान का विषय शौचालय योजना, और उसके बाद अटल पेंशन योजना, बालिका समृद्धि विकास योजना। अभी तक देखा जाए युवाओं को अभी तक कोई रोजगार या स्किल इंडिया का हमारा जो राजीव प्रताप रूडी जी के द्वारा जो मंत्रालय चलाया जा रहा था उसमें कौशल विकास योजना के तहत कम से कम अभी हमारे देश में करीब 11,000 कौशल विकास केंद्र खोले गए, जिसमें हमारे बहुत सारे युवा ट्रेंड होकर आज अपनी व्यवसाय में लगे हुए हैं। और जो भी व्यवसाय, कुछ चीज़ों को होने में और इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। 4 साल में जो इतना सवाल आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में पूछा जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, अगर यही सवाल पिछले 60 वर्षों में पूछा जाता जो सरकार में हमारे व्याप्त, तो शायद ये सवाल पूछने का समय आपके पास सवाल ये नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। दानवीर बाबू हरखेल कुमार जैन की 115वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहाँ दिगंबर जैन मंदिर में 108 कलशों का जलाभिषेक कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान स्थली में भी दानवीर बाबू हरखेन कुमार जैन की चित्र पर मल्यार्पण किया गया और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाली गई। हालांकि देर शाम हरखेन कुमार जैन धर्मशाला में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। Yeah, my God.
विश्व योग दिवस के अवसर पर अखिल ब्राह्मण महासभा की ओर से गरीब और लाचार मरीजों को सदर अस्पताल में फल वितरित किया गया। इसमें काफी संख्या में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित थे। चलिए आइए दूसरे को दे देगा। जांच कराना है आपको, एक्सरे कराना है। बड़ा सामना नहीं है लोग ना फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए संजय अस्पताल बुलाया है आप लोगों के लिए। यह जो फल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे छोटे भाई और हम सभी के समाज के साथ रहने वाले अमित पांडे उर्फ मनन पांडे के द्वारा जो है किया जा रहा है, क्योंकि एक खास दिन और समाज में लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो खास दिन हो उसमें हम समाज के लोगों के लिए कुछ करें जिससे कि समाज में ये संदेश जाए और लोगों को लाभ पहुँचे। इसलिए आज खास जन्मदिन पर ये सदर हॉस्पिटल प्रांगण में मरीजों के बीच जो है फल वितरण का कार्यक्रम हमने खास समझा मरीजों को फल जूस वितरण करना। क्या इसके बाद महात्री टोले में भी आप लोग कुछ खर्च कीजिएगा? हाँ सोच रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। अमित पांडे उपमन पांडे। मनन बाबा के उपलक्ष जन्मदिन के उपलक्ष में सदर अस्पताल प्रांगण में फल वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य रूप है कि जो जन्मदिन आजकल के पहलू में मनाया जाता है कि बहुत तरह के पार्टी फंक्शन किया जाता है, लेकिन एक सोच अलग समाज सेवा के रूप में करने के लिए मनन बाबा के उपलक्ष में जन्मदिन के उपलक्ष में आज फल वितरण किया गया। इसके लिए मनन बाबा के जन्मदिन की हार्दिक अभिनंदन। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शक। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझा तेरे बिना। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हां, आसूस एसर डेल एचपी लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही एचपी टीवीएस इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें।
आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भूतपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता बिहिया संवाददाता बबलू कुमार के अनुसार बिहिया वार्ड नंबर 1 में 1 की जनता की ओर से हनुमान और शिव की जी की पूजा अर्चना को लेकर जल यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखी गई। गाजे बाजे के साथ बिहिया की वार्ड नंबर 1 से यह जल यात्रा निकली, जो माती माई होते हुए जज बजाज होते हुए पुनः मंदिर पहुंचा, जहां की पूजा पाठ अर्चना किया गया और मंत्र उच्चारण से चारों तरफ वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।
डाल सकता है, खूनी को कौन जानता है। मोटरसाइकिल सवार दो यात्री गंभीर रूप से सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए। यह यात्री कहीं से आ रहे थे, ताकि असंतुलित हो जाने के चलते मोटरसाइकिल सवार दोनों यात्री एक गड्ढे में जा गिरे, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। दो आदमी सुनते हैं सेल्फ मोटरसाइकिल बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था और गिर गया। अच्छा, अभी हालत क्या बताया जा रहा है? अभी कैसे, अभी प्राइमरी सर्वे हुआ है, चोट लगी हुई है, जो जहाँ कटा फटा है उसका ड्रेसिंग होगा, सब कुछ हुआ, दवाई चलेगी। अब 48 आवर्स जो है ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो रहेगा। दोनों बहुत भारी हालत में गिरा हुआ था। कितने लोग घायल हैं? दो लोग हैं। कि कैसे हो गए घटना? ये गाड़ी से चला रहे थे, बाइक बहुत तेज था। कौन गाड़ी था? अपाची गाड़ी था, तेजी से आ रहे थे। बहुत काफी तेज थे लोग। खंडन में गिरे क्या? नहीं, अचानक रोड पे ही स्लिप कर गया चक्का। कितने लोग घायल हुए? दो लोग घायल हुए। दो लोग, ठीक। अपना नाम बता दीजिए। सोनू गुप्ता नाम है मेरा।